जनपद संभल के चंदोसी में भू माफियाओं को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से नगर पालिका के विरुद्ध जांच करवाने के लिए निजाम ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जनपद संभल के चंदोसी नगर पालिका परिषद पर भू माफियाओं को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए निजाम ने उप जिलाधिकारी महेश प्रसाद दीक्षित को ज्ञापन सौंपा। हिंदू जागरण मंच ने नगर पालिका परिषद पर जल निगम की जमीन पर अखाड़ा चलाने वाले लोगों को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से निर्मित कराने का आरोप लगाते हुए उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंप कर जांच कराने की मांग की है। ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? ये पालिका का जल निगम का कार्यालय है, यहाँ पर कागजी मोहल्ला स्थित पानी की टंकी भी बनी हुई है, वहाँ पे एक अखाड़े के रूप में अतिक्रमण है नगर पालिका की भूमि पर। और हमने जो है इस समय लगभग 20 वर्षों से हम उस अतिक्रमण को रुकवाते आ रहे हैं। पालिका की भूमि पर बना हुआ है वो, लेकिन चेयरमैन ने और जो मुस्लिम सभासद है उन्होंने साठगांठ कर ली। वो पालिका अपनी जमीन को छोड़कर वो कब्जा कर रहा है। हमारा कहना यह है जो अखाड़े की जमीन, जिस जमीन पर अखाड़ा है वहाँ की खसरा खतौनी निकलवाई जाए और वहाँ देखी जाए वो जमीन किसकी है। अगर पालिका की है तो पालिका के अंडर में आनी चाहिए, लेकिन इंदू रानी की जो चेयरमैन साहब हैं उनकी हठ धर्मता के कारण उन्होंने अपनी हठ धर्मता बना ली है कि पालिका की भूमि को हम नीलाम कर दें, बेच दिया एक प्रकार से। तो हम इस समय पालिका का प्रशासन का उस कृत्य का, उस कार्रवाई का हम यहाँ विरोध करने आए हैं और माननीय उप जिलाधिकारी महोदय जी को हमने इस घटना के बारे में लिखित रूप से अवगत कराया है कि उचित कार्रवाई हो, और यदि कार्रवाई नहीं होती है हम ऊपर प्रशासन से बातें। लोकतांत्रिक तरीका जो भी होता है हम आंदोलन धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे लोकतांत्रिक तरीके से।